हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आप सब लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 7.3 स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डील कर लेते हैं। 1 2 हमने डील कर लिए थे और इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था अच्छे से काफ़ी। चलिए एक बार ब्रीफ और समझ लेते हैं। जैसे हम कह रहे थे परम्यूटेशन फार्मूला क्या था? परम्यूटेशन फार्मूला था एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं इतने बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से ये आ जाए फार्मूला कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे हम परम्यूटेशन फार्मूला लगाएं, कहाँ पे हम एन फैक्टोरियल लगाएं, कहाँ पे एन की पावर आर वाले लगाएं और कहाँ पे। अब ये जैसे कंडीशंस बन जाती हैं कि नो हाउ मनी 4 डिजिट नंबर आ दिया विद नो डिजिट रिपीटेड था इसमें और यहाँ पे हमें फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं लेना था, तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे? जैसे आप यहाँ पे देखिए 3 डिजिट इवन नंबर लेना है तो आपको वंस प्लेस पे आपको पता है कि इवन डिजिट लेना पड़ेगा, तभी आपका इवन नंबर बनेगा। तो कहाँ पे क्या होता है मैं एक बार और आपको बता देता हूँ ताकि आसानी से आप क्वेश्चन कर सकें। तो देखिए परम्यूटेशन फार्मूला तो हम वहाँ पे यूज करते थे जहाँ पे हमारा रिपीट डिजिट क्या होनी चाहिए, रिपीट नहीं होती थी तो हम परम्यूटेशन फार्मूला लगा के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। जैसे मैंने कहा अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे एन और आर मैंने आपको पहचानना बता दिया था। एन क्या होते हैं? टोटल ऑब्जेक्ट होते हैं। आर क्या होते हैं? जितने हम उस टाइम पे हम लेते हैं, सम या ऑल हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें हमारे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीन्स अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट हैं और आपको 3 लेके अपना कोई अरेंजमेंट बनाना है तो एन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, तो परम्यूटेशन फार्मूला कहाँ पे यूज करना है? जहाँ पे आपका जो डिजिट है, जो भी लेटर्स हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे हों। दूसरा मैंने बताया था अगर रिपीटेशन वाला है, रिपीटेशन वाले में आपकी 2 कंडीशन बनेगी, या तो आपको एन पी एन वाली कंडीशन बनेगी या एन पी आर वाली कंडीशन बनेगी जब रिपीटेड हो। जब रिपीटेड वाली कंडीशन में भी आपको पास अगर ऑब्जेक्ट 5 है और आपको सेलेक्ट भी 5 करना है तो एन पी एन वाली कंडीशन बनेगी। इसमें हम सीधे से अपना आंसर क्या आ जाता था? हमारा आंसर आ जाता है एन फैक्टोरियल हमारे क्या बनेंगे? टोटल अरेंजमेंट बनेंगे। एन पी आर वाले में मैंने क्या कहा था? जब रिपीट हो रहा हो तो हमारे जो आंसर आता था एन की पावर आर आता था। मीन्स अगर आपके पास एन आपके पास 5 है और आपको आर आपको 3 लेना है, मीन्स 5 ऑब्जेक्ट में से आपको 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कोई अरेंजमेंट बनाना है और अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए कि जो लेटर्स हैं उनमें रिपीट होने चाहिए, तो आपको सीधे आंसर कैसे निकलता है? एन पी आर इक्वल टू एन की पावर आर से हमारा आंसर निकलता है। और क्यों निकलता है मैंने आपको उस टाइम पर बता दिया था परसों। ये हम अब मैं आपको ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे आपके पास अगर कंडीशन बन गई हो, कंडीशन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कंडीशन वाले क्या है क्वेश्चन से हमारे पास, जैसे हमने कहा हमारे पास 5 डिजिट हैं, 10 डिजिट मान लेते हैं, 1 2 आपके पास 0 to 9 तक क्या है? डिजिट है। और आपको 4 डिजिट कोई नंबर फॉर्म करना है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपकी कंडीशन बन गई कि आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए और 0 to 9 तक डिजिट होनी चाहिए। तो इसमें क्या हम हमारी कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो प्लेस है, मीन जो यहाँ पे है, और इसके बाद हमारे 3 और बॉक्सेस बनेंगे, तो ये जो वाले बॉक्स में यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। 0 क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मैंने बता दिया था कि अगर 0 2 3 0 ये आपका 4 डिजिट नंबर नहीं, ये आपका 3 डिजिट नंबर में क्या होता है? काउंट होता है। तो ऐसे वाले नंबर हमारे नहीं आने चाहिए। तो ये क्या बन गई? हमारी कंडीशन बन गई। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको 4 वैकेंट बॉक्सेज बनाने और जो भी वाले बॉक्स में मतलब आप जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में 0 नहीं आना चाहिए तो ये बॉक्स को हम अलग सॉल्व करेंगे और जो रेस्ट ऑफ 3 बॉक्सेस हैं उनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो बताइए आपके पास जो अरेंजमेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे? तो देखिए आपके पास 0 नहीं आना चाहिए तो आपके पास रेस्ट बची हुई डिजिट कितनी है? 9 बची हैं और आपको 9p और आपको सेलेक्ट कितनी करनी? 1 करनी है, तो 9p1। मैंने बताया था आपको आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट 9 है और आपको सेलेक्ट कितना करना है? 1 बॉक्स है तो 1 सेलेक्ट करना है, तो आर इक्वल टू 1, तो 9p1 हो जाएगा। इसको फिल करने के वे हो जाएंगे और इतने अरेंजमेंट हमारे इससे बन जाएंगे 9p1 से। और इसके बाद 3 डिजिट जो हमारी बची हैं ये, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आपके कोई से भी नंबर आ सकते हैं 0 to 9। तो 10 तो आपके पास टोटल नंबर होगा क्योंकि 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 बीच में आ जाए तो 4 डिजिट नंबर बनाता है, जैसे 2030 इज द 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 0 बीच में आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। तो इसको यहाँ पे फिल करने के लिए हमारे पास 10 डिजिट हैं पी और हैं हमारे पास कितने बॉक्स है? 1 2 3, तो 10 पी 3।
तो आप समझ गए हम कैसे कंडीशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो 9p1 वाला तो हमारा फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए हो गया, और इनटू 10p3 हो गया हमारे रेस्ट ऑफ थ्री बॉक्सेस को फिल करने के तरीके, और ये टोटल बना देंगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा कि 4 डिजिट नंबर आ जाएगा, किससे, 0 to 9 digit से। हमारे जितने भी 4 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9p1 into 10p3 करके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कंडीशंस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए हम 7.3 करते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ जानकारी बता दी जो हमने पढ़ ली थी, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। एक बार और बता देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, तो मैंने कहा था इनको हम किससे कर सकते हैं, इनको हम वैकेंट बॉक्सेस बना के भी कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये भी अरेंजमेंट टाइप का ही है और परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट ही करते हैं। जो हमने 7.1 में सारे क्वेश्चन कर रहे थे आप परम्यूटेशन फार्मूला से भी कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल से भी करते हैं, एन की पावर आर वाली फैक्टोरियल से भी कर सकते हैं, और जो मैंने अभी कंडीशन वाली बताया उससे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको पहले वैकेंट बॉक्सेस से कर रहे हैं तो 4 डिजिट नंबर है और 0 to 9 तक होते हैं, मैंने बता दिया था आपको 0 to 9 तक, जब कभी दिया नहीं हो कि इतना डिजिट है तो 0 to 9 तक ही डिजिट हैं जो सारे नंबर्स क्या करते हैं फॉर्म करते हैं, तो 0 to 9 आपके पास डिजिट्स हैं। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं तो हमने 4 वैकेंट बॉक्सेज हमने बना लिए। तो बताइए याले बॉक्स को फिल करने के लिए कितने आपके पास वे होंगे। अब जैसे हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी वही कंडीशन इसमें भी लग जाएगी, बट यहाँ पर हमारा आसानी से हमें दिख जाएगा। तो देखिए फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, तो आपके पास 9 वेज हैं, 9 वेज। उसके बाद नो डिजिट रिपीटेड मीन रिपीटेशन नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 भरते तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कहीं भी किसी भी बॉक्स में आप 1 यूज नहीं कर सकते। तो याले बॉक्स को भरने के आपके पास 9 वेज फिर से आ गया। आप कहेंगे 9 कैसे आए, तो देखिए 9 कैसे आए, क्योंकि अब हमारे पास 0 भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मीन 0 भी हमारे यहाँ पे आ सकता है। तो 0 to 9 में फर्स्ट वाले में तो 0 नहीं है, 0 नहीं भर सकते, तो हमारे पास 9 डिजिट तो बचे ही थे। उसके बाद हम यहाँ पे 9 में से एक नहीं, एक हमारा मान लीजिए यहाँ पे 1 भर दिया, हमने 1 नहीं भर सकते हैं, तो 9 आपके पास फिर बचे, क्योंकि 0 यहाँ पे हम भर सकते हैं। तो आई होप आप समझ होंगे। तो इसको भी 9 वेज में, इसको फिर 8 वेज में, और इसको फिर कितने 7 वेज में। तो 9 into 9 into 8 into 7 करेंगे तो 81 into 8 76, ये आपका आंसर आ जाएगा, जितने भी आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये तो हमने वैकेंट बॉक्सेस से कर लिया, फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड हम किससे कर सकते हैं, जो मैंने कहा था कंडीशन वाला जो हमारा परम्यूटेशन फार्मूला हम कर सकते हैं, क्योंकि नो डिजिट रिपीटेड है, नो रिपीटेशन वाले में हम अपना परम्यूटेशन फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन है तो 4 बॉक्सेस तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद कंडीशन किस में लग रही है, याले बॉक्स में लग रही है, तो इसको अलग से सॉल्व करिए, और इसमें आपकी कंडीशन नहीं लग रही तो आप इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वे हैं आपके पास, कितने मेथड हैं, तो 9 तो आपके पास क्या है डिजिट्स हैं, तो 9p, और ये 1 क्योंकि 1 आपको क्या करना है फिल करना है। तो 9 कहाँ से आया, क्योंकि हम 0 नहीं भर सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, 9p1। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप 0 to 9 तक कोई भी डिजिट भर सकते हैं, तो आपके पास 10 डिजिट है पी, और आपको सेलेक्ट कितना करना है, मैंने कहा था आर क्या होता है जितने हम सेलेक्ट करते हैं, तो 1 2 3 सेलेक्ट करेंगे तो 10p3। तो अगर 9p1 into 10p3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10p3 नहीं आएगा, 10p3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं कि नो डिजिट रिपीटेशन है, मैंने पढ़ तो लिया था बट मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि यहाँ पर 10p3 आएगा 9p3, बट यहाँ पे क्या आएगा 9p3 आएगा, क्यों आएगा 9p3, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या भर दिया, कोई भी 1 भर दिया, तो आप यहाँ पे 1 अब नहीं भर सकते, यहाँ पे 1 आप नहीं भर सकते, 1 नहीं भर सकते हैं, तो आपके पास फिर से कितने बचे, 0 to 9 तक बचे, और उसमें क्या है 1 आपका एक्सक्लूड है, मतलब इंक्लूड नहीं है, तो 0 to 9 तक 1 एक्सक्लूड है, तो मीन्स आपके पास 9 डिजिट अभी भी आपके पास बचे। तो अगर हम 9p1 और 9p3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम 81 into 56 करके जितना आता है, मीन्स कितना आएगा 4536 आएगा, तो यही आंसर आपका यहाँ से भी आएगा। आप देख लीजिए तो 9 factorial upon 8 factorial आ जाएगा, इंटू 9 factorial upon 6 factorial आ जाएगा, 9 into 8 factorial into 9 into 8 into 7 into 6 factorial, और ये 8 factorial नीचे और ये 6 factorial है, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 9 into 9 into 8 into 7, तो आप समझ गए नो रिपीटेशन वाले में आप परम्यूटेशन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और कौन सा यूज कर सकते हैं आप वैकेंट बॉक्सेस वाले, बस आपको क्या कंडीशन दिए तो आपको कंडीशन वाला ऐसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता था, इसलिए हमने याले बॉक्स को अलग से सॉल्व किया और इन 3 बॉक्सेस को एक साथ सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 तो मैंने बता दी, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। नो डिजिट इज रिपीटेड है मीन्स आप परम्यूटेशन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए मैं परम्यूटेशन फॉर्मूले से ही बताता हूँ, आप वैकेंट बॉक्सेस से आप खुद करिएगा ट्राई, क्योंकि हो जाएंगे उससे भी, क्योंकि परम्यूटेशन नहीं है, अरेंजमेंट बनाने आपको। तो देखिए यहाँ पे भी कंडीशन आपके 3 डिजिट इवन नंबर है, तो आपको फिर से 3 वैकेंट बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे,
और नो डिजिट डिविडेड है मीन्स हम अपना कौन सा यूज कर सकते हैं, परम्यूटेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डिजिट कितनी है, एन हमारे पास है 1 2 3 4। आपको पता होगा इवन है, इवन नंबर वो होते हैं जिनके प्लेस पे इवन डिजिट हो, इवन नंबर वो होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट हो। इवन डिजिट क्या होते हैं, 2 4 डिजिट वो होती हैं जो 2 के मल्टीपल हो। देखिए आपके क्या है 1 2 3 4 6 7, ये आपके पास क्या है डिजिट्स हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही हो याली बॉक्स में बन रही, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे। याली पे क्यों बन रही है, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर जो भी होगा हमारा यूनिट प्लेट से डिवाइड, मतलब यूनिट प्लेट से हमारा क्या होता है, यूनिट प्लेट से हमें पता चलता है, यूनिट प्लेस से हमें पता चलता है कि हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तभी हमारा फर्स्ट जो यूनिट प्लेस वाला बॉक्स है उसमें हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। मीन्स मैं जैसे कहा मैंने 242 एंड 241, तो ये हम कह देते हैं इवन नंबर और ऐसे कहते हैं ऑड नंबर। क्यों कहते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस में यहाँ पर हमारा इवन डिजिट है और यहाँ पर यूनिट प्लेस में हमारा ऑड डिजिट है, तो इसी कारण हम इसको इवन नंबर और ऑड नंबर कहते हैं। तो कंडीशन हमारी कौन से बॉक्स में बन रही है, यूनिट प्लेस वाले बॉक्स में बन रही है, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए, 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 4 और 6 है, मीन्स एन आपका पास क्या है, यहाँ पर 3 है, क्योंकि इन तीनों में से आप एक ही यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो 3P1 हो गया, क्योंकि 3 में से हमको एक टाइम पे क्या लेना है, एक लेना है, तो 3P1 ये बन जाएगी हमारी अरेंजमेंट। और यहाँ पे देखिए तो आप यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि नो डिजिट रिपीटेड है, नो डिजिट रिपीटेड है, मीन्स अगर आपने यहाँ पे 2 भर दिया तो यहाँ पे आप 2 नहीं भर सकते हैं, मीन्स 2 4 2 ये आपका इवन नंबर नहीं बनेगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे बताइए आप कितने आपके पास नंबर बचे, तो यहाँ पे बचे 2 अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो 1 3 4 6 7 मीन्स 5 आपके पास यहाँ डिजिट बची, और 5P और आपको चाहिए कितने, 2 चाहिए, तो 5P2। तो अगर हमने इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5P2 × 3P1, तो आ जाएगा 5 factorial upon 3 factorial × 3 factorial upon 2 factorial। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5 × 4 और 3 factorial से 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 तो 5 4 20 × 60 आपका क्या आ जाएगा, इवन नंबर बन जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वैकेंट बॉक्सेस वाले से भी यही आंसर आएगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके, तो वैकेंट बॉक्सेस वाले में इसको पहले हम भरते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन दी कि इवन नंबर है। तो बताइए 2 4 6 में से यहाँ पे 3 वेज में इसको भर सकते हैं, 3 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आने चाहिए, 4 आने चाहिए, 6 आने चाहिए, इनमें से एक हम फिल करेंगे तभी हमारा इवन नंबर बनेगा। तो 3 वेज में इसको यहाँ पर 2 नहीं फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 6 टोटल नंबर है और एक आपने फर्स्ट प्लेस में भर दिया है, तो आपके पास 5 नंबर आपके पास पेंडिंग है, तो 5 में से आप 5 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, इंटू इसको कितने वेज में कर सकते हैं, 4 वेज में, कितने वेज में, 4 वेज, तो 5 × 4 × 3 × 60। हम कोई भी आप फॉर्मूला लगाएं, कोई भी आप कंडीशन लगाएं, कोई भी आप अपना लॉजिक लगाएं, आपका आंसर, अगर आपका लॉजिक सही है तो आपका आंसर सही आएगा, चाहे आप कोई सी भी मेथड यूज करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है भी, तो हमें 4 डिजिट नंबर देखना है विच कैन फॉर्म यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दी है कि इवन चाहिए ऑड चाहिए, यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ पुलिस स्टॉप तक। तो यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दी है, ना हमें बताया है कि ये, ना हमारे पास 0 है आगे से, क्योंकि अगर 0 होता तो फिर हमें वाली कंडीशन या इस वाली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगानी पड़ती, बट यहाँ पर 0 भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो सिंपल सा है, एन इक्वल टू हमारे पास कितना है, 5 है, एन इक्वल टू 5 है ना, 1 2 3 4 5 कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 है। और R कितना है, R कितने होते हैं, मीन्स अगर आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए तो आपको 4 इनमें से सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे मिनिमम, क्योंकि 4 आप सेलेक्ट करेंगे डिजिट तभी आपके क्या बनेंगे, 4 डिजिट नंबर बनेंगे। तो R इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो सीधे से आंसर आपका जाएगा, NPR वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि नो डिजिट रिपीटेड है, तो नॉन रिपीटेशन में हम कौन सा फॉर्मूला, परम्यूटेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 5P4 आ जाएगा, तो 5 factorial upon 5 − 4 1 factorial आ जाएगा, तो 5 × 4 × 3 × 2, तो 5 4 = 20 क्या जाएगा, 5 4 = 20 और 20 × 30 तो ये आ गया 120। तो 120 आप इसे क्वेश्चन आंसर, मतलब 4 डिजिट नंबर 120 आप बना सकते हो। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इतने तो टोटल बन गया, तो इसमें से कितने आपके इवन होंगे, तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था वैसे हम करेंगे। तो बॉक्सेस बना लेते हैं हम 4 बॉक्सेस, क्योंकि 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो मैंने कहा था जिसमें कंडीशन लगेगी वाले बॉक्स को हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो और कंडीशन आपकी या तो याले बॉक्स में लगेगी, याले बॉक्स में, कभी बीच वाले बॉक्सेस में कंडीशन कभी नहीं लगेगी। तो हमें क्या है,
इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर के, इवन नंबर क्या होता है मैंने बताया आपको पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जिसमें यूनिट प्लेस में इवन डिजिट आती है वो हमारे इवन नंबर होते हैं। तो देखिए टू और फोर आ सकता है, टू और फोर आ सकता है, तो इन तीनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे और इसको एक साथ, क्योंकि ये हमारा ये वाले कंडीशन वाला बॉक्स है और ये एक साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने इवन इवन डिजिट हैं, टू इवन डिजिट है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है तो टू पी वन हो गया, ओके। और ये बॉक्सेस कितने आपके, थ्री बॉक्सेस में आपको कितने आपके पास अब नंबर्स बचे, आप मान लीजिए यहाँ पर आपने फोर फिल कर दिया मीन्स नो डिजिट रिपीटेड है, तो फोर आपका और बॉक्सेस में नहीं आ सकता, मीन्स आपके पास कितने बॉक्सेस बचे, नहीं आपके पास कितने डिजिट बचे, वन टू थ्री और फाइव, मीन्स फोर डिजिट बचे आपके पास, फोर पी, और आपको सेलेक्ट कितने करने, वन टू थ्री सेलेक्ट करने, तो फोर पी थ्री। तो आपके पास ऐसा आंसर आएगा कि कितने आपके पास क्या है, आपके पास इवन नंबर है 120 में से, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, इतना 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये 2, तो 4 थ्री जा 12 इंटू 2 जा 4, 4 टू 12 4 जा 48, तो 48 आपके पास ऐसे नंबर है जो इवन है और 120 आपके टोटल हो गए। अगर मैं पूछा आपके ऑड कितने हैं तो 120 में 48 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपके पास ऑड आ जाएंगे, लेकिन हमसे पूछा नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो आप समझ गए, जिसमें आपके कंडीशन नहीं दी है उसमें आप सीधे से परम्यूटेशन फार्मूला या जो ब्रैकेट वाले मैंने जो मैंने आपको क्या वैकेंट बॉक्सेस वाले बताए उससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और अगर अगर आपका क्या कहते हैं, अगर आपका कोई भी कंडीशन दी है तो जिस कंडीशन में, जिस बॉक्स में कंडीशन लग रही है उसमें उसको आप अलग से सॉल्व करें और जो रेस्ट ऑफ अदर बॉक्सेस हैं उनको एक साथ सॉल्व करें, जैसे वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो आपकी लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है क्वेश्चन की, आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर हम नंबर डिजिट लेटर ना लेके हमने क्या कर दिया, 8 पर्सन है हमारे पास, तो हमारे पास n इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। जो भी टोटल होता है आपके, डिजिट हो, प्लेस हो, नंबर हो, कुछ भी हो, पर्सन हो, आपका n इक्वल टू 8 आ जाता है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो जैसे मैं 2 डिजिट नंबर बनाता, 3 डिजिट नंबर बनाता, 4 डिजिट नंबर बनाता, वैसे यहाँ पे क्या है, एक चेयरमैन बनाना, एक वाइस चेयरमैन बनाना, मीन्स आपके पास कितने वैकेंट बॉक्सेस हैं, 2 वैकेंट बॉक्सेस हैं, एक आपका चेयरमैन का बॉक्स है, एक आपका वाइस चेयरमैन वाला पोजीशन है। और हमारा रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन को यहाँ पे कैसे आपको लैंग्वेज लिखी है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, तो इसका मतलब है कि आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, परम्यूटेशन फार्मूला यूज कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है आपकी, तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, तो आर इक्वल टू 2 हो गया। और कितने वेज हो सकते हैं, तो हम कह देंगे 8p2 हो जाएगा, तो 8p2 करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो 8 × 7 और 6 वेज में आप उनको चूज कर सकते हैं अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को। तो काफी सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन, फाइंड n, n फाइंड करना है हमें, इफ n माइनस 1 पी 3 रेशियो n पी आर 1 रेशियो 90 और। थोड़ा अलग सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है n माइनस 1 पी 3 रेशियो n पी 4 इक्वल टू 1:9। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो n पी आर, यहाँ पे n n माइनस 1 है मान लीजिए, तो n, तो देखिए n पी आर है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा ये अपॉन n माइनस आर करते हैं, तो n आपके पास n माइनस 1 है और r क्या है 3 है, तो n माइनस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू आपका 1:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना, मैं आपको बताता हूँ अभी, ये हो गया। तो देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल तो है ऊपर है अपॉन, ये क्या है n माइनस 4 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड है मीन्स रेशियो डिवाइड होता है, तो इसको क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि n माइनस 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आपकी आएगी वही ऊपर वाले की वही नीचे वाले की भी आएगी, आप कहेंगे एन से एन कैसे काट दिया आपने। तो देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होता और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल होता, तो नीचे भी होता, आपको कट करके आने से 1 आंसर कर सकते हैं। तो अगर सेम फैक्टोरियल आप उसको कट कर सकते हैं, बट आप ऐसा करेंगे तो एन माइनस फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, यहाँ से आप एन और अपॉन एन फैक्टोरियल काट देते हैं, ना गैर कानूनी है। चलिए एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल आपके पास क्या है, बच गया। तो अभी तक मैंने बताया आपको फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है, राइट फैक्टोरियल है, तो उससे एक एक आपका डिजिट कम करते हम कहाँ तक जाते थे, 1 तक जाते थे। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल है और अब तो बताइए आप
एन माइनस वन से एन तक जाएंगे या एन से एन माइनस वन तक आएंगे? तो आप कहेंगे एन से एन माइनस वन तक आएंगे, क्योंकि हम फाइव से कहाँ जाते हैं, वन तक जाते हैं, मीन्स हम कम करते हैं। हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अगर हम एन माइनस वन से कम करेंगे तो हम एन माइनस टू एन माइनस थ्री तक पहुँचेंगे। अगर हम एन को कम करेंगे तब हम एन माइनस वन तक पहुँचेंगे। इसलिए हम एन माइनस वन को ना कम करके किसको कम करेंगे, ट्वेल्व को। ठीक है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो इक्वल वन अपॉन नाइन। तो ये भी एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये भी एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देखेंगे तो एन इक्वल टू क्या आ गया, नाइन आ गया, क्योंकि वन अपॉन एन इक्वल टू वन अपॉन नाइन आएगा। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, नाइन। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। काफ़ी सिंपल सा था, बस दिखने में बड़ा था और कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्वेश्चन नंबर सिक्स तो हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर सेवन से हम कल करेंगे और 7.3 को एंड करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कल तो हमारे 7 to 11 क्वेश्चन ही हम डील करेंगे काफ़ी अच्छे से, और ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देखेंगे। और अगर आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उससे अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपना ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।